अफसोस तो ऑब्वियसली होता है जब आपकी अपनी टीम बट इट वॉज अ गुड गेम ऑल टुगेदर. आई वुड से दैट यू नो बोथ द टीम्स दे परफॉर्म वेरी वेल. पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक किया और वो अच्छी फाइट है. पाकिस्तान ने बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा था. स्पेशली आज बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स था. नेक्स्ट पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से. पाकिस्तान का यही लग रहा था कि जीत जाएगा लेकिन बीच में काफी था पाकिस्तान का, स्पेशली जो नसीम की बॉलिंग थी, बट देन जीत गए हम. थैंक यू सो मच. यही लग रहा था शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाए. मैच देखने आया मुझे जब पता था इंडिया जीतेगा. मैं केवल ये देखने आया था कि कैसे कैसे जीतेगा. नहीं बहुत अच्छा मैच था लेकिन दोनों ने बराबर का किया. एक ने तो जीतना होता है, एक ने हारना होता है, तो खुशी खुशी से हार जो कबूल करता है वो ही बड़ा इंसान होता है. थैंक यू. लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, फिर एंड पे कुछ ओवर्स ऐसे हुए. दुख है पाकिस्तान की हार का? दुख नहीं है. आई थिंक द बेटर टीम जो टीम बेहतर जो खेलेगी वो जीतेगी. पाकिस्तान ने आखिरी ऑलमोस्ट आखिरी ओवर तक अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया. नसीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पर ही स्टिल न्यू, वो नया है, उसको काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. लेकिन आई थिंक फॉर स्पोर्ट्स गेम आई थिंक ही डिड अ रियली गुड जॉब. और अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है, अभी देखेंगे मौका. जी पाकिस्तान मैच हारा है फील्डिंग से. आपने देखा बैक टू बैक जब दो विकेटें हैं नसीम शाह की बॉलिंग के ऊपर थी. अगर वो सेकंड कैच ना छोड़ता फखर जमान तो ये समझ लें आईसीसी वर्ल्ड का वो शाहीन अफरीदी ने जैसे जो हिस्ट्री हुई थी ये हिस्ट्री और हो जानी थी. पाकिस्तान ने बैक टू बैक विकेट गिरती. फील्डिंग का बहुत अहम रोल रहता है तो फील्डिंग ने थोड़ा लैग किया और हारिस रऊफ की बॉलिंग ने थोड़ा सा लैग किया. आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी? इंडिया की, इंडिया की. हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा आप लोग फ्रेंड्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे?